लोग वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल में स्वप्निल और आप देख रहे हैं स्वप्निल प्रोडक्शन। आज हम कवर करने वाले प्ले ऑफ का पहला मैच जो कि खेला जाने वाला दिल्ली गोल्डन राइजर्स वर्सेस नलाय रॉयल किंग्स के बीच हमारे लिए क्या हो सकते फैंटेसी की ड्रीम इलेवन की टीम। अगर ये वाला मैच अगर कौन सी भी टीम हारेगी तो वह सीधा टूर्नामेंट से बाहर होने वाली और जो टीम जीतेगी वो सीधा फाइनल में खेलेंगी जो कि लाइका किंग्स फाइनल में जा चुकी है। तो वह लाइका किंग्स के साथ सीधा इनका मैच होने वाला है। तो अगर दोनों टीम्स के लिए करो या मोरो की सिचुएशन आ चुकी है और दोनों टीम्स के लिए ये वाला मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगर इस वाले मैच में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले तो कोई इस वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो अगर ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और कौन सा प्लेयर इस वाले मैच में 3 विकेट लेगा, कौन सा प्लेयर इस वाले मैच में 50+ रन बनाएगा, कौन रहेगा मैन ऑफ द मैच, तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। कौन से प्लेयर के सामने कौन से प्लेयर का रिकॉर्ड खराब है फुल एनालिसिस मिलने वाला है। सिर्फ आपको एक काम करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अपने लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली गुड ड्रैगन्स का टाइम डब्ल्यू प्रीमियर लीग में परफॉर्मेंस किस तरह से रहा है। तो गाइस टाइम डब्ल्यू प्रीमियर लीग दिल्ली गुड ड्रैगन्स ने अभी तक ओवरऑल 7 मैचेस खेले और 7 में से इन्होंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से 6 मैचेस विन किए, सिर्फ 1 मैच लॉस किया है। तो गाइस काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है, बाबर इंद्रजीत ने काफ़ी बेहतरीन कप्तानी की इस वाली सीजन में। वही बात की जाए नलाय रॉयल किंग्स की तरफ से तो गाइस इन्होंने इस वाली टीम ने भी काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। तो गाइस इस वाली टीम की बात की जाए इन्होंने ओवरऑल 7 मैचेस खेले और 7 में से 5 मैचेस विन किए और 2 मैचेस लॉस किए। तो गाइस इस वाली वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो गाइस पिच जो रहने वाला है थोड़ा सा बॉलिंग फ्रेंडली पिच रहने वाला है। इंडिया सीमेंट कंपनी में मैच खेला जाने वाला है और यहाँ पर अभी तक ओवरऑल मैचेस की बात की जाए 63 मैचेस खेले गए और जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट बार की उस टीम ने 30 मैचेस किए और जिस टीम ने सेकंड टाइम बैटिंग की उस टीम ने 31 मैचेस किए। तो गाइस इस वाली पिच पे है ना दोपहर को मैचेस खेले गए थे, उस वाले मैच में दोपहर के मैच में चेस करना इजी रहता है, लेकिन गाइस अगर आपको ये वाला मैच होने वाला है रात को तो गाइस रात को मैच होने वाला है, इसकी वजह से जो टीम सेकंड बैटिंग करेगी उसके लिए थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा क्योंकि सेकंड इनिंग में ड्यू गिरता है और बॉलिंग करना मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से जो भी टीम टॉस जीती मुझे लग रहा है इस वाले मैच में बॉलिंग करना पहले पसंद करेगी। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं रिसन के कुछ 10 मैचेस का रिकॉर्ड इस वाली पिच का। रिसन के 10 मैचेस में आप देखोगे पेस बॉलर को 59 विकेट्स मिले और स्पिन बॉलर को 54 विकेट्स मिले। तो अगर ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं, जो बॉलर अच्छी बॉलिंग करेगा जैसे कि वरुण चक्रवर्ती ने मान लीजिए अच्छी बॉलिंग के लिए तो अगर ये वाले प्लेयर इसको इस वाले मैच में विकेट निकाल सकते हैं। और इस वाले 2023 में हेड टू हेड की बात की जाए अभी तक आमने सामने इस टीम ने 2 ही मैचेस खेले और 2 में से 2 मैचेस नलाय रॉयल किंग्स ने जीते 2023 तमिल डब्ल्यू प्रीमियर लीग में। तो अगर सबसे पहले हम बात करें विकेट कीपर वाले सीरीज में कौन सा प्लेयर आपके लिए फैंटेसी में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स कमाते हुए दे सकता है, तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर आपको नजर आएंगे दिल्ली गोल्डन ड्रैगन्स की तरफ से बाबा इंद्रजीत। तो गाइस बाबा इंद्रजीत की परफॉर्मेंस मुझे बताने की ज़रूरत नहीं लग रहा, लेकिन गाइस मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। बैटिंग ऑर्डर स्टार्टिंग के कुछ मैचेस में 3रे पोजीशन पर आ रहे थे, लेकिन अब भी कुमार आ रहे हैं इनकी जगह, ये इनका बैटिंग ऑर्डर 4 रहेगा। तो गाइस अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, रिसेंट के दो तीन मैचेस में थोड़ा सा फ्लॉप चले थे लेकिन गाइस फॉर्म में आ चुके हैं। रिसेंट के मैच की बात करें 81 रन 83 रन तो गाइस मतलब 2 मैचेस में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। स्टार्टिंग के 3 मैचेस में थोड़ा सा फ्लॉप चले लेकिन गाइस फॉर्म में आ चुके हैं। तो गाइस आप इनको ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों में अपनी टीम में रख सकते हो। और इनके अलावा बात कीजिए जिनका काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है नलाय रॉयल किंग्स के लिए, तो गाइस इनकी बात की जो रिसेंट के मैच में 50 रन बना के आए तो काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे। तो गाइस वन डाउन बैटिंग करते दोनों मतलब आपके लिए ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों में अच्छे खासे पॉइंट्स कमा के दे सकते। इनके अलावा बात कीजिए अरुण कार्तिक, तो गाइस अरुण कार्तिक आपको ओपन करते नजर आएंगे नलाय रॉयल किंग्स की तरफ से। दो मतलब रिसेंट के 2 मैचेस में फ्लॉप चले, 1 मैच में 18 रन 1 मैच में 13 रन, लेकिन उससे पहले 39 रन बना के आए। तो गाइस रखना चाहते हो रख सकते हो, अदरवाइज ग्रैंड लीग वाली टीम में रिस्क देके ड्रॉप भी कर सकते हो। अदरवाइज नीचे का कोई प्लेयर खेलता है तो गाइस खेलता है ना, यहाँ पर आपको श्रीनिवासन खेलते हुए नजर आएंगे इस वाले मैच में। इनकी परफॉर्मेंस की बात की 29 रन बनाए थे रिसेंट के मैच में, तो गाइस थोड़ा सा इनका बैटिंग ऑर्डर लो रहेगा, इसकी वजह से अगर आपको ट्राई करना है तो गाइस बड़ी वाली 10 से 12 लाख प्लेयर्स वाली जेल में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इनको ट्राई करोगे तो थोड़ा सा रिस्क रह सकता है, इसकी वजह से आपको बड़ी वाली ग्रैंड लीग में ट्राई करना है। और बैटिंग वाली सीरीज में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले तो गाइस इस वाले मैच में मुझे लग रहा है मिनिमम 2 से 3 प्लेयर आपको ट्रंप प्लेयर अपनी टीम में लेके जाने पड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप सबसे करके तो गाइस जीतने का कोई मतलब जीतने का चांस कम रहता है, थोड़ा सा आपको लोगों से डिफरेंस करना पड़ता है, इसकी वजह से थोड़ा सा ट्रंप प्लेयर लेने की कोशिश करेंगे। तो गाइस सबसे पहले आपको नाम आता है नलाय रॉयल किंग्स की तरफ से अयन राजगोपाल की बात की जाए तो गाइस इनका भी काफ़ी मतलब अच्छा परफॉर्मेंस रहा है रिसेंट के मैच में, 76 रन बनाए थे। गाइस काफ़ी बैटिंग अच्छी कर रहा है रिसेंट के मैच में 76 रन, उसके पिछले मुकाबले में 35 रन। तो गाइस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा मतलब नीचे रहेगा लेकिन गाइस आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रह सकते, 4 नंबर पर बैटिंग करते। और इनके अलावा बात करें शिवम सिंह, तो गाइस शिवम सिंह दिल्ली गोल्डन ड्रैगन्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल मतलब इस वाले मैच में अदा करने वाले,
सीजन के दो मैच फ्लॉप चले, लेकिन इस प्लेयर का उससे पिछले मुकाबले में आप रिकॉर्ड देख सकते हैं। कंटिन्यू दो मैचेस में 50 रन बना के आए, तो आप इनको ग्रैंड लीग में मतलब ग्रैंड लीग वाली दोनों में ड्रॉप करने का रिस्क नहीं ले सकते। इनके अलावा बाकी रियल सूर्य प्रकाश अगर इनको रखना चाहते हो बड़ी वाली ग्रैंड लीग में रख लेना, क्योंकि मैच हटियान में इस प्लेयर रहने वाले। ओपन करते हैं नले रॉयल्स की तरफ से, और रिसेंट के मैच में सिर्फ 0 रन बनाए थे और उसके पिछले मुकाबले में 22 रन बना के और उसके पिछले मुकाबले में 0 रन बनाए आए। तो अगर रखना चाहते हो गब्बर एकदम बड़ी वाली ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना। इनके अलावा बात कीजिए आर विमल कुमार की, तो अगर इनका भी कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं, ये आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। रिसेंट के मैच में जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन अगर उसके पिछले मुकाबले में 42 रन बना के आए, उसके पिछले मुकाबले में 62 रन बनाए गए, तो ये काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ट्रम्प प्लेयर रहने वाला है। तो बस आप इनको अपने ग्रैंड लीग में दोनों में ट्राई कर सकते हो। और इनके अलावा नीचे का कोई प्लेयर खेलता है तो मतलब जिसका रिकॉर्ड अच्छा हो, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ टेलीग्राम पर अपडेट दे दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात रहने वाली, आप सभी को पता ही होगा टेलीग्राम कितना इंपॉर्टेंट रहता है। तो बस मान लीजिए इस वाले मैच में बाबर इंद्रजीत नहीं खेलते, ऐसा होगा नहीं, लेकिन मान लीजिए आपको इस वाले मैच में नहीं खेलेंगे, तो बस इनकी जगह पर आपको कौन सा प्लेयर लेना है वो आपको मैं फाइनल अपडेट टेलीग्राम पर बता दूंगा। क्योंकि बाबर इंद्रजीत बड़े प्लेयर है, अगर ये वाला प्लेयर नहीं खेलता तो बस आपको समझ में नहीं आएगा बाबा इंद्रजीत की जगह हम किसी ले, इसकी वजह से आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। और ऑलराउंडर्स वाली सिलेक्शन में बात कीजिए तो अगर आर अश्विन खेलते हो तो मैं फिर से कह रहा हूँ टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात रहने वाली सोनू यादव, सोनू यादव हर मैच में बॉलिंग बैटिंग दोनों से आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स कमा के दे रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस की बात श्रीवास्तव के बाद बैटिंग करते हो नजर आएंगे। रिसेंटली मैच में 17 रन एक विकेट मतलब कंटिन्यू विकेट ले रहे, तो अगर इसकी वजह से आप इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। ग्रैंड लीग स्मॉल लीग कप्तान भी मतलब बड़ी वाली लीग में कर सकते हो। इनके अलावा बात कीजिए पी सरवनन, तो अगर पी सरवनन दिल्ली गुड ड्रैगन्स की काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले। इनकी परफॉर्मेंस की बात करिए अभी तक मतलब इन्होंने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है, तो अगर इनको आप ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों में ट्राई कर सकते हो। और इनके अलावा बाकी जी एस निरंजन, तो अगर जिनको रखना चाहते हो रख सकते हो। नीचे रिसेंट का मैच खेले नहीं थे यम मतिवातन, यम महेश मतिवादन की बात की जाए तो अगर जिन्हें को मतलब रिसेंट के दो मैचेस में विकेट ले से उसके पिछले मुकाबले में जरूर 2 विकेट लेके आए, तो अगर रखना चाहते हो एकदम बड़ी वाली लीग में ट्रक रख लेना, अदरवाइज स्मॉल लीग में ड्रॉप कर सकते हो। और इनके अलावा नीचे का कोई आपको ज़्यादा मतलब अच्छा प्लेयर्स खेलता हो नजर आता है तो मैं फिर से घर अपने यहाँ पर अपडेट दे दूंगा। तो अगर मुझे नहीं लग रहा नीचे का कोई प्लेयर मतलब आपके लिए अच्छा पिक साबित हो सकता है। और बॉलिंग वाली सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले इस वाले मैच पे, तो अगर सबसे पहले जो आपका नाम नजर आता है सुबोध भाटी, जो कि टीम के काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉलर मतलब बॉलर रहने वाले डेली गुड ड्रैगन्स की तरफ से, रिसेंट गेम में आपने 4 विकेट निकाल के आए। तो अगर नेलर रॉयल्स किंग इनके इनके सामने अलग प्लान करना पड़ेगा सुबोध भाटी के लिए। नेलर रॉयल्स किंग की तरफ से काफ़ी अच्छी मतलब संभल के बैटिंग करनी पड़ सकती है, क्योंकि स्पेस बॉलर है, स्टार्टिंग में जरूर इनको मतलब विकेट निकाल सकते हो। तो अगर इनके लिए थोड़ा सा अलग प्लान करना पड़ सकता है नेलर रॉयल्स की तरफ से, तो अगर इनको रिसेंट के मैच में 4 विकेट निकाले, उसके पिछले मुकाबले में अच्छी खासी बॉलिंग की थी 2 विकेट निकाले, तो अगर ये प्लेयर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बात कीजिए वरुण चक्रवर्ती, जो इस वाले बड़े मैचेस में ये बड़ा प्लेयर जरूर आईपीएल में आपने इनको खेलते हुए देखा हो, बड़े मैचेस में इनका मतलब रिकॉर्ड रहा है, काफ़ी बेहतरीन बॉलिंग करता है। अभी तक रिसेंट के 2 मैचेस में विकेट ले से 2 मैचेस में कुल मिला के 3 विकेट निकाल के आया है, तो अगर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बात कीजिए हम प्रोयम जी, तो अगर ये भी काफ़ी नल है उसकी तरफ से, ये भी मतलब काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है, तो अगर इनको भी आप ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों में ट्राई कर सकते हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इनके अलावा नीचे को मतलब मोहन प्रसाद भी ये वाला मैच आपको खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन अगर आपको ड्राइव करना है तो रिसेंट के मतलब 4 मैचेस में 4 विकेट निकाले, तो परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त दे रहे, तो आप इनको अपनी टीम में ट्राइव कर सकते हो। और इनके अलावा बात कीजिए संदीप वॉरियर, तो संदीप वॉरियर ने रिसेंट के मैच में लिया था, लेकिन इस प्लेयर ने अच्छा मतलब परफॉर्मेंस नहीं दिया, विकेट भी नहीं लिया, तो कुल मिला के 8 मैचेस में 2 विकेट निकाले, तो काफ़ी ख़राब रिकॉर्ड रहा है। काफ़ी सारे एक्सपीरियंस है लेकिन विकेट लेस चल रहे, तो इसकी वजह से आप इनको ड्रॉप करोगे तो ही अच्छा रहेगा। और प्रॉफिटेबल प्लेइंग इलेवन जो है एकदम मैंने आपके सामने बता दी, एकदम आपके लिए सेफ टीम है गाइस। अगर आप स्मॉल लीग खेलना चाहते हो तो गाइस इससे बेटर टीम आपको मिलने वाली, इससे बेटर टीम आपको कहाँ पे भी नहीं मिलने वाली। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं विकेट कीपर वाले सिलेक्शन में कौन से मैंने 2 प्लेयर्स ट्राई किए, तो यहाँ पर बाबा इंद्रजीत और जी आतिथेश। तो और बैटिंग वाली सिलेक्शन में आते तो गाइस सिर्फ मैंने 3 बैटर ट्राई किए, ज़्यादा बैटर सामने टीम में नहीं रखे, क्योंकि थोड़ा सा बॉलिंग फ्रेंडली पिच है, इसकी वजह से मैंने बॉलर्स एक्स्ट्रा खिलाए अपनी टीम में। और बैटिंग वाली सिलेक्शन में राजीव गोपाल, शिवम सिंह और विमल कुमार, तो गए 3 ही बैटर ट्राई किए। और ऑलराउंडर्स वाली सीरीज में मैंने सिर्फ ट्राई किया सोनू यादव, पी सरवनन, और बॉलिंग वाली सीरीज में सुबोध भाटी, वरुण चक्रवर्ती, एम प्रियम जी और यस मोहन प्रसाद। तो गए ये टीम मेरी जो पॉसिबल जो प्लेइंग इलेवन रहेगी यही टीम रहेगी, तो गए इनमें से कोई नहीं खेलता तो मैं फिर से कह रहा हूँ 3-4 बार आपको खेल चुका हूँ, तो टेलीग्राम इतना इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो फटाफट से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और वीडियो अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वाली नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो में।